सो हे गाइस, कैसे हो सभी? आई होप दोस्तों आप सभी लोग अच्छा ही होंगे और मैं हमेशा उम्मीद करूंगा दोस्तों आप लोग सभी हमेशा अच्छा ही रही। ओके दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो बहुत ही खास और लाजवाब होने वाला है। मैं दोस्तों आज के वीडियो में एक खास चीज दिखाने वाला हूँ। मुझे लगता है कि आज के वीडियो में बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा और कुछ नया देखने के लिए मिलेगा। ओके दोस्तों, तो दोस्तों हम जो घर में यूज करते हैं ना, जो हांडी हो या फिर डोंकी हो, कड़ाही वगैरह हो एटसेट्रा, घर का नाना प्रकार का चीजें हम यूज करते हैं, जैसे कि मेटल चीज है ना, और हम ये सोचते हैं कि कंपनी में बनाया जाता है, अच्छा खासा बनाते हैं, बढ़िया बनाते हैं, ऐसे सोचते हैं। लेकिन नहीं दोस्तों, ये सब चीजें ना खुद का हाथों से भी बनाया जाता है। ओके दोस्तों, लेकिन हम तो नहीं बनाते हैं, लेकिन हमारे गाँव में बनाने के लिए आए हैं दोस्तों। और वो लोग कैसे बनाते हैं, क्या क्या चीज से बनाते हैं, बनाने में कितने टाइम लगता है, कितना मेहनत करना पड़ता है, क्या क्या चीज से बनता है। ओके दोस्तों, सारे के सारे आज के इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा दोस्तों, और बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। ओके, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो छोटा सा एक लाइक कर देना। ओके, तो चलिए दोस्तों ज्यादा समय न लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम को जैसे कि पूरा रंस भी बोलते हैं, उसको पूरा मेल्ट किया जा रहा है, पूरा तरल किया जा रहा है। ओके, तरल करने के बाद यहाँ पे देखिए, एक आदमी ने पूरा प्लेन कर रहा है, उसका जो बनाने का प्रोसेस है, बनाने का चीज़ है वहाँ से। ओके, जैसे कि पूरा प्लेन करके वहाँ पे जो भी चीज़ बनाना है, ये देखो बना कर रखे है, ये बहुत सारे गिना हो, डोंकी हो, बहुत सारे एट्सेट्रा। ओके, तो वैसे वाला चीज़ को बनाते हैं। देखो, अगर ऐसे वाला सेम चीज़ बनाना है तो इसका सहायता से क्या करते हैं ना, फूल करके उसका मिट्टी, पर्सनल मिट्टी होता है ये लोग का। ओके, थोड़ा सा मिट्टी, थोड़ा सा बालू, ये सब मिल करके। ओके, और यहाँ पे देखिए, इसको भी पूरा मेल्ट किया जा रहा है, मतलब कितने पूरा भारी भरकरम चीज़ें या फिर स्ट्रांग चीज़ें को भी क्या होता है ना, एल्युमिनियम आग देने से, पूरा हीट देने से क्या होता है, पूरा तरल जाता है, तरल अवस्था में चला आता है ना, पूरा मेल्ट हो जाता है। ठीक उसी तरीके से मेल्ट किया जा रहा है। देखिए दोस्तों, मेल्ट होने के बाद देखिए कितना बड़ा था और कितना हो गया, कैसे हो गया। ओके, मेल्ट होने के बाद यह इसको क्या करेंगे ना, वहाँ पे लेकर डालेंगे। तो कैसे डालेंगे आगे मैं आपको दिखाऊंगा। ओके, तो वीडियो को कंटिन्यू वॉच करते रहना दोस्तों। देखिए, ये होता है पुई, उसका द्वारा से जैसे घुमाओगे वहाँ से हवा क्रिएट होता है और यहाँ से पूरा ऑक्सीजन देता है, तक जाकर ये आग लग जाता है। ओके, देखो ये अंगार का सहायता से आग जलता है, और आग जलने में ये पूरा हीट होकर पूरा तरल हो जाता है, पूरा देखिए किस तरीके से। ओके, पूरा मेल्ट हो जाता है। ओके, मेल्ट अगर हो गया तो आगे देखिए, यहाँ पे ये सारे चीज़ बनाना है, ऐसे ऐसे चीज़, तो चार चीज़ है, इसके ऊपर अभी मिट्टी डाल देगा। ओके, देखिए मिट्टी डाला गया, मिट्टी डालने के बाद अभी क्या होगा ना, पूरा फेंक करके उसका तस्वीरें ले लेगा, मतलब उसका चित्र ले लेगा। ओके, कितने साइज का है, कितना बड़ा है, कैसे बनाना है, ये पूरा मिट्टी में उठ जाएगा। उठने के बाद तो चलो मैं आगे भी देखने के लिए मिलेगा, देखते रहना। ओके, देखिए पूरा खड़ी मेहनत करना पड़ता है दोस्तों, इन लोग का बहुत जैसे कि एक्सपीरियंस बढ़ गया है कर करके, ताकि ये लोग पूरा आसान से कर पा रहे बहुत जल्द। देखिए ऐसे पूरा दबा के, पूरा साइज करके, ओके, पूरा स्ट्रांग करके मिट्टी को, ये थोड़ा हल्का पानी दिया गया है जैसे कि चिपक जाता है एक दूसरे से मिट्टी। ओके, तो देखिए, देखिए दोस्तों कैसे था और कैसे हो गया, पूरा मेल्ट हो गया कि नहीं, पूरा पानी जैसा हो गया है ना, ये पूरा वेस्ट प्रोडक्ट है, मतलब नाना विभिन्न प्रकार का मेल हो या फिर जो खराब चीज़ें मिल के रहता है ना, वो पूरा साइड हो जाते हैं, मतलब पूरा अलग। देखिए क्या हो गया, तो चलो ये देखिए दोस्तों, जो रखा था उसका तस्वीर ले लिया है ना, तो अभी उसका ऊपर देखो छोटा छोटा होल किया है। ओके, होल किया है, उसके ऊपर अभी इसको लेकर डालेंगे, तो और भी पूरा हीट दे रहे। देखिए पूरा हीट हो गया, पूरा पानी जैसा हो गया, उसको थोड़ा थोड़ा ऊपर वाला हिस्सा निकाल देंगे जैसे खराब चीज़ें। ओके, मतलब ये पूरा उसका एल्युमिनियम एक साइड होता है और ख़राब चीज़ें एक साइड हो जाता है, निकालने में आसान हो जाता है, पूरा मिक्स नहीं होता है। देखिए इसके ऊपर अभी डाल देगा, तो क्या होगा ना, हम जैसे कि छोटा समय एक ड्राइंग को अगर उठाना है तो ब्लैक पेपर से क्या करते हैं, खींचे देते, ताकि उसका जैसे पूरा सेम ड्राइंग उठ जाता था हमारा जैसे किताब में है ना, नोटबुक में। ठीक इस तरीके से दोस्तों, अगर कोई चीज़ को उठाना है, कोई चीज़ को बनाना है, तो उसी जैसा का उसको लेकर उसी जैसा का तस्वीरें बनाकर पूरा
एक स्टेचू तरीका से बना करके कर देते हैं। देखिए पूरा हो गया कि नहीं, पूरा कमाल, पूरा फंटास्टिक होकर तैयार हो गया। देखिए पूरा खुद का हाथों से भी ऐसे चीज़ बनाया जाता है दोस्तों, और आसान से यूज कर सकते हो कम दाम में। ओके, ये लोग एक एक चीज़ को 50 रुपया चार्ज लेते हैं, और खुद का अगर सामान होगा तो। ओके देखिए, किसी का अगर ख़राब चीज़ें है या फिर पूरा होल हो गया है, काम नहीं कर रहा है, गिर जा रहा है, बेंड हो गया, टूट गया है, तो ऐसे वाला चीज़ को लाते हैं और पूरा मेल्ट करके और पूरा रिकवरी कर देते हैं, पूरा न्यू रिफाइन कर देते हैं। देखिए कैसे बनाए है ना, देखिए दोस्तों क्या से क्या बन गया। हम सोचते होंगे ये कहाँ बनता है, कैसे बनता है, कितना मेहनत लगता होगा, लेकिन ये खुद का हाथों से भी बन जाता है आराम से। देखिए कितना बढ़िया चीज़, वाह फंटास्टिक हो गया ना। देखिए दोस्तों कैसे बनाए जाते हैं है ना। तो चलिए, कैसे लगा दोस्तों वीडियो को एक लाइक कर देना। ओके, और हमारे चैनल पर नया तो ज़रूर दोस्तों सब्सक्राइब कर देना।